जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जिनमें निवेश करके लॉन्ग टर्म्स में अच्छा खासा वेल्थ बनाया जाए, तो कुछ इसी तरह के 5 स्टॉक्स की लिस्ट मैंने बना रखी है। स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके डूब जाने और भाग जाने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि उन स्टॉक्स के पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग है और स्टॉक्स ने जिस तरह का रिटर्न दिया है यकीन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी ये स्टॉक्स कुछ इसी तरह के रिटर्न दे सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं आप कि कौन से हैं वो स्टॉक्स, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, जाकर वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर्स ने यह सवाल पूछा है कि सर, मुझे 12 साल में 1 करोड़ रुपए का रकम चाहिए, कितना रुपए में लमसम कर दूं ताकि मुझे 1 करोड़ रुपए का रकम बन जाए। तो देखिए, इस सवाल का जवाब उतना आसान भी नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब आपके लिए बहुत ही आसान करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि अगर हमें 12 साल में 1 करोड़ रुपए का रकम चाहिए तो किस कैटेगरी के फंड में हमें कितना लमसम करना होगा ताकि 12 साल में 1 करोड़ रुपए का रकम आसानी से बन जाए। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारा कैलकुलेशन लिख रखा है। सबसे पहले बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जो थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप इस तरह के फंड में निवेश करके 1 करोड़ रुपए का रकम बनाना चाहते हैं, और वो भी पूरे 12 साल में। तो देखिए, अगर आप लार्ज कैप फंड में और फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करते हैं तो मुझे यकीन है कि लगभग 14% के आसपास का आपको रिटर्न मिल सकता है। और अगर आपको 14% का रिटर्न मिलता है और 12 साल में अगर आपको 1 करोड़ रुपए का रकम बनाना है तो इसके लिए आपको 21 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 21 लाख रुपए निवेश कर देते हैं और अगर आपको 14% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि पॉसिबल है, और आप 12 साल तक निवेशित रहते हैं, तो आपका ये जो 21 लाख रुपए है ना, 12 साल में 1,01,17,600 रुपए का रकम बन सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और रिस्क उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं मिड कैप फंड में निवेश करूं, तो अगर आप मिड कैप फंड में निवेश करके 1 करोड़ रुपए का रकम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरत होगी सिर्फ 17 लाख रुपए की। अगर आप 17 लाख रुपए मिड कैप फंड में निवेश करते हैं तो मुझे यकीन है कि बड़े ही आराम से लगभग 16% का रिटर्न आपको मिल सकता है। और अगर आपको 16% का रिटर्न मिल जाता है और आप 12 साल तक निवेशित रहते हैं तो ये 17 लाख बड़े ही आराम से 1,91,245 रुपए का एक बड़ा रकम बन सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिस्क थोड़ा ज्यादा उठा सकते हैं, अपने सारे पैसे को स्मॉल कैप फंड में ही निवेश कर सकते हैं, तो ये काम आपके लिए बड़े ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ 14 लाख रुपए में स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड कर सकता है। देखिए, अगर आप 14 लाख रुपए निवेश करते हैं और आपको 18% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि पूरी तरह से पॉसिबल है। कई ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका लाइफ टाइम CAGR 25% या इसके आसपास या 25% से ज्यादा भी है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 18%। अगर आपको 18% का रिटर्न मिल जाता है और आप 12 साल तक निवेशित रहते हैं तो बड़े ही आराम से ये जो 14 लाख रुपए है ना, 1,02,02,629 रुपए का एक बड़ा रकम बन सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सिर्फ एक कैटेगरी पर फोकस मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि मैं सिर्फ फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप में निवेश करूं, या फिर सिर्फ मिड कैप में निवेश करूं, या फिर सिर्फ स्मॉल कैप में निवेश करूं। मैं बोलूंगा कि सभी कैटेगरी में आप निवेश कीजिए। अगर आप सभी कैटेगरी में निवेश करते हैं, आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड भी हो, या फिर लार्ज कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो और स्मॉल कैप फंड हो, और इस तरह के फंड में अगर आप निवेश करके 1 करोड़ रुपए का रकम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 19 लाख रुपए का रकम चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पोर्टफोलियो होगी ना, ये थोड़ा सा रिलायबल पोर्टफोलियो होगी। अगर आप 19 लाख रुपए निवेश करते हैं और आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि इस तरह के पोर्टफोलियो से पूरी तरह से पॉसिबल है, और आप 12 साल तक निवेशित रहते हैं, तो आराम से आपको 1,01,65,475 रुपए का रकम मिल सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको फ्लेक्सी कैप में निवेश करना है तो यहाँ पे आप 20% फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दीजिए और 40% यहाँ पे डाल दीजिए आप मिड कैप फंड में, और वहीं पे 40% पैसा आप डाल दीजिए स्मॉल कैप फंड में। कुछ इस तरह से करके आप अपने पैसे को डाल सकते हैं, और मुझे यकीन है कि अगर आप इस तरह से निवेश करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में फ्लक्चुएशन भी बहुत कम आएगी, उतार चढ़ाव भी बहुत कम देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस तरह की पोर्टफोलियो को बनाकर निवेश करते हैं तो मुझे यकीन है कि 1 करोड़ रुपए का रकम बड़े ही आसानी से इस तरह के पोर्टफोलियो से आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि चलिए, हमने ये तो जान लिया कि किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में हम निवेश करेंगे तो हमें 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस मिल सकता है। लेकिन अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई, आपने वो स्कीम तो बताई ही नहीं, म्यूचुअल फंड तो बताई ही नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत जल्दी मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड की वीडियो लाने वाला हूं,
तो इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वो वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये जान पाए कि कौन सी है म्यूचुअल फंड जिसमें निवेश करके हम लॉन्ग टर्म्स में अच्छा खासा वेल्थ गेन कर सकते हैं या फिर उसमें निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगेन बोलूंगा, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।